Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Glam Beauty Zone. So guys, कैसे हो आप लोग? आज ना टाइटल देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा कि मैं आज आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ. तो यस गाइज, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी डे टाइम स्किन केयर रूटीन. ये देखो, कुछ ही दिनों है, कुछ दिनों से मैंने अपना स्किन केयर मतलब फॉलो नहीं किया है. मैं रोज़ अपना स्किन केयर फॉलो करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं अपना स्किन केयर रूटीन रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ. सो दैट्स व्हाई ये आप देख सकते हो इफ़ेक्ट फेस पे दिखने लगा है. सो इसलिए मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरी जो मैं वीकली फॉलो करती हूँ. मैं रोज़ फॉलो नहीं करती वीकली, लेकिन हाँ मैं रोज़ फॉलो करती हूँ CTM क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. ये मेरी रेगुलर का स्किन केयर है, और जो मैं वीकली फॉलो करती हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी. सो ओके, विदाउट एनी फादर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. सो गाइज, एज यू कैन सी दैट मेरी बेबी फेशियल हेयर निकल आई है, थोड़ी थोड़ी से ग्रो करने लगी है, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एलोवेरा जेल लिया है फर्स्ट लीफ का, बहुत ही अच्छी है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो. उसके बाद एक क्लीन रेजर के हेल्प से इसे अच्छे से रिमूव कर लेंगे. मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं वीकली ये प्रोसेस करती हूँ, सो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था और ग्रो भी बहुत धीरे धीरे होता है, तो इसलिए तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी. एंड उसके बाद मैं टैग का फेस वॉश यूज़ करूँगी, और ये बहुत ही अच्छी वाली फेस वॉश है गाइस. यहाँ पे आपको कुमकुमदी का एक्सट्रैक्ट मिल जाती है, ये ना आपके इंस्टेंट डल पोल्यूशन को रिमूव करने में हेल्प करती है और आपकी स्किन को एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है. सो आई रियली लव्ड इट गाइस. कंटिन्यूसली मैं इसे ही यूज़ करी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा टैग का ये रेंज, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. एंड उसके बाद मैं एल्स गुडनेस का फेस पैक यूज़ करी हूँ. जब भी ना, एंड गाइस आपको ना वीकली फेस पैक यूज़ ज़रूर करना चाहिए, एंड अगर फेशियल करते हो तो भी अच्छा है, लेकिन फेस पैक वगैरह यूज़ करना चाहिए. उससे क्या होती है, आपकी जितनी भी रेडनेस वगैरह है या डार्क पिगमेंटेशन वगैरह, वो ना थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होने लगती है. तो या आपको वीकली ये प्रोसेस तो या आपको करना ही है. रूटीन वीकली फॉलो करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं ना ये रूटीन फॉलो कर ही नहीं पा रही थी. सो या उसके वजह से ना कुछ निकल ही आती है फेस में. तो या आपको स्किन केयर हमेशा टाइम टू टाइम करनी चाहिए. उसके बाद आप देख सकते हो लवली ग्लो. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का सैफ्रन शीट मास्क यूज़ करूँगी, और ये ना मास्क क्या रिलीवेबल है गाइस, बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छी है. और आपको ना फेस मास्क यूज़ करनी चाहिए, सॉरी शीट मास्क. इस पर ना आपको एक्स्ट्रा सीरम मिलती है जो आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है. 15 मिनट्स के लिए आप अपने स्किन पे रख दो. एंड या मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ऊपर से नहीं, आपको अंदर से भी एक हेल्दी ग्लो स्किन जरूर चाहिए होगी, और उसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होता है फ्रिट्स. या फ्रिट्स आप ज़रूर लो, मैं लेती हूँ, मोस्टली मैं लेती हूँ. सो आपको भी लेना चाहिए, एंड या तब भी आप बाहर से नहीं अंदर से भी आप ग्लो करने लगोगे. एंड जितने भी एक्सेस सीरम है वो मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लूँगी और कुछ टाइम तक रहने दूँगी ताकि ये मेरे स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. उसके बाद मैं गुड वाइब्स का ये मलबरी फेस टोनर यूज़ करी हूँ. मैं यहाँ पे ऑरिजिन नेचर इंस्पायर्ड का मैं यहाँ पे फेस ऑयल यूज़ करूँगी. एंड यू नो डैट गाइस, मैं इसको रेगुलरली यूज़ करी हूँ, और ये ना वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस, बेस्ट. और विंटर में आपको फेशियल ऑयल लगाना ही लगाना है, क्योंकि आपकी ना स्किन बहुत ही ड्राई रुखी हो जाती है, तो इसके लिए आपको फेशियल ऑयल स्किप करना ही नहीं है. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टैग का डे ग्लो क्रीम, और ये बहुत ही सही है गाइज, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छे अच्छी तरह से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है.
नेक्स्ट में यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम यूज करी हूँ स्विस ब्यूटी का सनस्क्रीन स्प्रे, और भाई साहब ये गलती कर दी मैंने, लुक एट दैट, कितना सारा स्प्रे कर लिया यार, मेरे को पता भी नहीं था कि ये इस तरह से निकल के आएगा। हाँ गाइज, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये टोनर की तरह है, एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा लगा लिया। लेकिन आपको ये वन स्प्रे करना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं, वन स्प्रे, अड्डा ये नहीं आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है और ये वाइट स्कार्स भी निकल जाती है। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, एंड ये आपको अच्छी तरह से सन से प्रोटेक्ट करती है, जब सन के ना सुपर हीट से आपको प्रोटेक्ट करता है, एंड ऑल्सो यूवी और यूवीए रेज से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, और ग्लो तो यार मस्त ही है, आई रियली लव दैट। और एक बात गाइस, जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो उससे पहले आप कोई भी ग्लो क्रीम या डे क्रीम यूज़ मत करना, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो वही इनफ है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल गाइस।